मौसम जनाब यासीन मर्चेंट साहब के रिपोर्ट से दरबार के सामने उठे हैं और दरबारिया करे बात से प्रोग्राम का मैंने कर दी ना थे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم गुजरात ये सिंधी कल्चरल डे सिंधी सकाफत का दिन जो आज मनाया जा रहा है ये सबसे पहले तो ये कहेंगे पाकिस्तान गुजरात जर्नलिस्ट एसोसिएशन और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ मिल के ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और इसके लिए मैं यदि तारुक बता दें नवाब साहब और जूनागढ़ जो उन्होंने जब भी हमने प्रोग्राम के लिए इस तरह के कहा उन्होंने फ़ौरन अपने आप को लब्बे कहा प्रोग्राम के लिए तैयारी दी और सारी बाकी मेहनत जो है हमारे बशीर मुंशी साहब हैं इनके ताउन से इनकी मेहनत से आज हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर ले आए हैं और सिंधी जबान इतनी शीरी और मीठी जबान है कि मुझे लगता है कि ये बुलाया नहीं गया जितनी मोहब्बत आपको खींच के ले आई है इस प्रोग्राम के लिए कि हमारी जबान ये सिंधी ऐसा एक तो ये जबान है इतनी शीरी है कि ये लेकर आई है। बाकी सिंधी ये सकाफत के बारे में कहा जाए ना कि अगर लोग अपनी जबान को भूल जाए अगर जबान को तो अपनी सकाफत को अपने रहन सहन को अपना खाना पीना हर चीज़ भूल जाते हैं और अपनी इस चीज़ को आदमी निकल जाता है अपने आबा अजदाद की तमाम तरीक़ेकार को पूरा किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सिंधी भाइयों ने जो शुरू से हमें हमारे से मोहब्बत दिखाई है ये पार्टीशन के बाद हमारे पाकिस्तानी बहुत से जो हमारे पार्टीशन यहाँ पर आए पाकिस्तान में और बहुत से लोग अलग अलग जगह थे जो कराची में और सिंध में आबाद हुए उनके साथ मोहब्बत के अंदर किया कि आओ भगत उन्होंने सिंधी भाइयों ने की बड़े सिंधी हजरात थे जो ना हमारे जो भी भाइयों ने हमारे साथ तब तो उनके बड़े मतलब मिनल साहब लोग थे तो इनके इन्होंने तो अपनी जबान को बराबर बरकरार रखा और रखते जा रहे रखते रहेंगे मगर इनके अफसोस के साथ करना पड़ता है कि हम गुजराती मेरे ख्याल गुजराती के कहा जाता है कि तकरीबन 5 करोड़ आबादी है पूरे दुनिया में और कराची में और पाकिस्तान में काफ़ी 40-50 लाख गुजराती होंगे कि जो गुजराती बोलता गुजराती हैं यहाँ पर मगर आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुजराती जबान ख़त्म होती जा रही है। इसके लिए कोशिश की जा रही है जो गुजराती सुप्रीम काउंसिल भी है गुजराती बचाओ तहरीक भी है और मुंशी साहब की तहरीक गुजराती जर्नलिस्ट एसोसिएशन और वर्ल्ड गुजराती वर्ल्ड एसोसिएशन लोग काम कर रहे हैं मगर अभी हमारी सत्ता बड़ी सुस्त है तो इसमें कुछ ऐसा है कि अरबाब इकतदार जो है इन्होंने भी हमारे साथ कुछ ज्यादा की कि पिछली दफा जो सेंसस फॉर्म निकला था इसके अंदर उन्होंने हमारे गुजराती का एक कॉलम जो इससे पहले गुजराती का कॉलम था कि आपकी जात कास्ट क्या है बाकायदा गुजराती अलग लिखा हुआ था जहाँ पर टिक किया जाता था और पिछला जो उन्होंने ये भी फॉर्म सेंसस फॉर्म निकाला उसके गुजराती की कास्ट जात हटा दिया गया। तो मैं आप प्रेस मीडिया के हवाले से आप लोगों के ताउन से नवाब साहब से जितने ताकत हो सकते हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर वो पहुँच सके हमारी आवाज़ के तो हमारी गुजरात इतनी बड़ी आबादी है बल्कि हमारी यूँ कहें कि हमारी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मादरी जबान गुजराती थी इसके अलावा माँ सब कहने की ज़रूरत नहीं है हर एक को पता है कि गुजराती जो है ना गुजराती का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान बनाने में किसने प्लेन चेंज किया और किसने क्या किया और शुरू क्या इंडस्ट्री बनाई सारी तारीख बताती है तो गुजराती का इतना बड़ा किरदार है इतना बड़ा तो इनका हक है इनका इनके साथ जो ज्यादा न की जाए और कम अज़ कम ये सेंसस में दोबारा का नाम डाला जाए और साथ साथ मैं कहता चाहूँ कि हमारी गुजराती के गुजराती के लिए जो मेहनत हमारी की जा रही है ना तो नवाब साहब ने भी हमें हमेशा हर प्रोग्राम के लिए लब्बे कितने प्रोग्राम किए हमेशा आए लब्बे किया बल्कि मैंने तो इतफाक अब क्या एक दसवीं फ्लोर पर था एक प्रोग्राम गुजराती के लिए और इतफाक से लिफ्ट खराब थी नवाब साहब ने कहा मैं आऊँगा सीढ़ी से चढ़ के आऊँगा बाकी यहाँ जो जो हमारे गमा नजरत आए हुए नाम तो हमारे दीवान साहब ने ले लिया सबका तो मैं तमाम हजरात को दिल से दिल खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा नहीं करूँगा क्योंकि हमारा फर्ज बनता था और हमारी मोहब्बत में खेल के लाई है इस प्रोग्राम के अंदर हमें आना चाहिए सखावत का दिन है हम भी सिंध हैं सिंध में रहते हैं सिंधी हैं तो हमें हमारे आना चाहिए हमें हम इसलिए शुक्रिया अदा करने की जरूरत ही समझता कि हमारा फर्ज बनता था हमें आना था हमें तमाम मोहन हजरा शुक्रिया अदा करता हूँ।